हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरा फिर से एक नए ब्लॉग में। यहाँ पे सुबह के टाइम में नहाना धोना हो चुका है क्योंकि बारिश की वजह से मैं सुबह से अपना वीडियो स्टार्ट नहीं की क्योंकि पूरे रात बारिश हुआ था। और यहाँ पे ना व्हाइट सॉस पास्ता बनाया, इसका शॉर्ट वीडियो मैंने शूट किया है आप लोग के लिए, और डालेंगे तो ज़रूर आप लोग देखिएगा फुल वीडियो। यहाँ पे पास्ता बनाने के बाद से सब कुछ नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद से ना यहाँ पे चावल 3 कटोरी मैंने चावल लिया, इसे धुल मतलब भिंगाना है। 1 कटोरी उसी कटोरी से उड़द दाल लिया है, मूंग दाल है, उड़द दाल नहीं है, मूंग दाल है। और उसके बाद से ना 1 चम्मच मैंने मेथी डाला, ये सारे के अच्छे से धो के भिंगा दिया है, और भिंगा के इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 3 से 4 घंटा हो गया था ना, तो इसको हमने पीस लिया है। अब इसे ना अच्छे से 1-2 पानी और धुल लेंगे कि जो इसमें महक आता है ना वो नहीं आएगा। और इसके बाद से इसको ना थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पानी डाल के इसे पीसना है कि जितने में ये अच्छे से पिसा जाए, जैसे थोड़ा सा भी दरदरा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से पेस्ट बन जाए। तो पहले मैं दाल को पीस लेती हूँ, ये दाल पीस जाएगा तब मुझे कम लगा पानी, तो थोड़ा सा मैं और डाल दी और इसको अच्छे से पीस लेना है। आज बनेगा इडली सांभर, ये मतलब तैयारी आज कल के रखते हैं तो ये कल के लिए तैयारी हो रहा है क्योंकि इस समय थोड़ा सा टाइम लगता है, इडली पहले ये सारी तैयारी करना होता है। तो सुबह में तो मैंने दाल भिंगा दिया, उसके बाद से ना इसको 2 से 4 घंटे में ये फूल गया था। 12-1 बजे करीब में ये इसको मैं पीस लिया, और सारे पीस को अच्छे से आपको आगे बताती हूँ इसको क्या करना है। तो साउथ इंडियन डिश है ये, बच्चे सबके खाने के मन था और मुझे बनाने के भी मन था, मैंने सोचा बहुत दिन से सोचे थे इसे बनाने के लिए, तो फाइनली आज इसे बना रही हूँ। यहाँ पे मेथी और चावल दोनों एक साथ पीस लेंगे, इसमें थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे, और पोहा भी मैंने ना 1 मुट्ठी के करीब भिंगा के धुल के भिंगा के रखा है, वो चावल के साथ पीस लेंगे, वो मैंने नहीं दिखाया। यहाँ पे जो चावल, मेथी दाना, पोहा और दाल सब कुछ पीस के एक ही में मैंने रख लिया है, और इसे अच्छे से हाथ से फेंट लेना है, जैसे हाथ तो हमें हम लोग के साफ ही रहता है काम करने से, तो इसे अच्छे से हाथ से फेंट लेना है। और फेंटने के बाद मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे से हाथ से फेंटने से ही होगा। तो यहाँ पे हाथ से अच्छे से फेंट के और इसे ढक के रख, और उसके बाद इसे अच्छे से ढक 8 से 10 घंटा लगता है इसको फर्मेंट होने में, तो ये अच्छे से सीट हो जाएगा। आप लोग के आगे मैं इसको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे तो पहले मैं ढक के रख देती हूँ, उसके बाद से मैं लग गई थी आकृति के पैकिंग करने में। और यहाँ पे ना अब उसको जाने के समय आ गई क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है और स्कूल खुल गया है, तो अब ये जाएगी। तो यहाँ पे इसको तैयारी कर रहे हैं, तब तक बीच में बारिश आ गया बहुत तेज़ से, तो मैं चली गई थी छत पे कपड़ा डाली थी तो लेने, फिर से मैं यहाँ पर पैकिंग इसका शुरू कर दिया है। तो अभी तो फिलहाल जो कपड़ा है वही पैक कर रही हूँ धुल के अच्छे से, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा अच्छे से सुखा के इसको पैक कर दे रही हूँ। बाकी जो सामान है ना वो अभी मार्केटिंग करना है, करके आएगा तो बाकी सामान इसका पैक होगा। तो यहाँ पे आकृति से मैं पूछ के सामान उसका रख रही हूँ कि जो उसका ज़रूरत है ना वही लेके जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है सामान जब भी जाती है तब भी, तो इसीलिए मैं उससे ना पूछ के सारा सामान को रख रही हूँ। उसके बाद से पैकिंग करने के बाद से यहाँ पर सुबह बना था दाल चावल सब्ज़ी, तो मैंने ना दाल में आलू डाल दिया था, तो दाल आलू उबल गया था तो उसको मैं फ्रिज में डाल दिया। अब शाम के टाइम में तो इसको बना रही हूँ सैंडविच आलू को, और यहाँ पे सजवन चटनी है और मीठा वाला चटनी है, दोनों को मिक्स करके कुछ भी तैयारी नहीं करना पड़ा, बस फटाफट हो गया। तो वही शाम के टाइम था, सबको भूख लगा था, तो फटाफट मैं सैंडविच बना दे रही हूँ। उसके बाद से ना नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आप लोग से मिल रही हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ। ये क्लिप शाम की ही है, शाम के जब मैं फ्रिज में रखने गई थी तब बहुत अच्छा से ये फर्मेंट हो चुका था, देख सकते हैं आप लोग, इसी तरीके से चाहिए। इसके ना ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस मैं इसको ना फिर से फ्रिज में डाल दिया, रात भर के लिए फ्रिज में था क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो मैंने शाम को बनाना नहीं था तो इसको मैं फ्रिज में डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने कट किया है आलू, बैंगन, परवल, और ये है कैरी, कच्चा कैरी, घिया और कद्दू, गाजर, ये सारे 4 से 5 फल की सब्जियाँ है, आपको जो घर में है पसंद है वो आप इसमें सब्जी डाल सकते हैं सांभर में। तो मैंने ना सब कुछ मंगाया, थोड़ा थोड़ा और डाल के बनाया था सांभर, तो बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद से ना सुबह के नेक्स्ट मॉर्निंग के ये वीडियो मेरा है जो कि ब्लॉग 2 दिन चला है, तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। इस सब में थोड़ा सा टाइम भी लगता है कटिंग करने में, चॉपिंग करने में, तो प्याज मैंने 2 काट लिया है, लहसुन और टमाटर मैं 2 काट रही हूँ, बाकी सारी सब्जियाँ। और मैंने ना एक साइड वो
कुकर चढ़ा दिया जिसमें कि सांभर बनाऊंगी और तैयारी सारा मैं कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे दोनों बच्चे आए, उन सब से बातें भी हो रही है और काम भी हो रहा है। सुबह के टाइम में, सुबह में भी बहुत बारिश हो रहा था, तो सुबह में डायरेक्ट उठ के मैं फटाफट ये बनाई। और मुझे जाना है गाँव, क्योंकि क्या हुआ ना, ये सब लोग के मन था गांव जाने के लिए। तो अभी जो मैं तैयारी कल के करके रखी थी उसको तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती ना, क्योंकि लाइट के भी इशू है बारिश की वजह से, और सामान ये रखने के बाद से ना गांव जाएंगे तो 2-3 दिन लग ही जाएगा, तो ये ख़राब भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ और गाँव भी ले कर चली जाऊँगी, क्योंकि ये बन जाएगा तो मतलब सारे अगर बनाएंगे तो बच्चे भी ये घर पर खा लेंगे लोग। और यहाँ पे आए तो मतलब 2 दिन के लिए मैंने डोसा के लिए भी मैंने इसमें भिंगा दिया था, और इडली के लिए, दोनों के लिए मैंने भिंगाया था। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया और इसको मुझे सारा बनाना पड़ा। उसके बाद से यहाँ पे मैंने डाला है सरसों तेल, और कुकर मैंने चढ़ा दिया था, गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे जीरा, और इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और सरसों के दाना डाला है, दोनों डाला है। उसके बाद से प्याज दो कट के रखा था वो डाल दिया है। यहाँ पे अरहर के दाल मैंने ना भिंगा के रख दिया था सुबह में ही, मतलब 2 घंटा हो गया था। उसके बाद से अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और हरी मिर्च का, तीनों का दरदरा पेस्ट बनाया वो डाल दिया। उसके बाद से यहाँ पे दाल भी मैंने धुल के रख लिया है, और थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो अब इसमें डाल लेंगे दाल, सब्जियाँ, जितना सब कुछ मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे पहले टमाटर और दाल दोनों मैंने डाल दिया है। दाल बहुत अच्छे से फूल चुका है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में। उसके बाद से यहाँ पे सब्जियाँ को मैं डाल दे रही हूँ। इसमें कच्ची कैरी इसलिए डाला है कि थोड़ा सा खट्टा और मीठा होता है, तो अगर आपके पास कच्ची कैरी ना है तो इमली का पल्प भिंगा के आप डाल सकते हो। तो साइड में मैंने ना उसे मिक्स करके ढक दिया है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ जितना मुझे बनाना है उतना ही। तो बनाना तो सारा ही बना दिया, लेकिन पहले मुझे मैं सोची थी ना कि थोड़ा सा मैं रख दूँगी क्योंकि बाद में डोसा भी बनाऊँगी, लेकिन वही लाइट की वजह से मैंने नहीं रखा, सारा बना लिया। इसमें डाला है नमक, बस इसमें सिंपल से नमक ही पड़ता है। उसके बाद से ना क्या हुआ, यहाँ पे अब डालना है नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद से हल्दी पाउडर, और सांभर मसाला 2 चम्मच मैंने भर के डाला है, क्योंकि मेन टेस्ट तो वही लेके आएगा, अच्छा लगता है सांभर मसाला डालने से। और इसे मिक्स करना है, मिक्स करके बस इसे सीटी लगा देना है। तो यहाँ पे पहले थोड़ी देर के लिए मैं ना मसाला भून लूँगी, और भूनने के बाद से इसको सीटी लगाएंगे। तो यहाँ पे वो मैंने ढक दिया है धीमे आँच करके, और मैंने एक साइड पानी चढ़ा दिया है, पानी गर्म हो रहा है तब तक इडली के स्टैंड में मैंने ना थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाया है चारों स्टैंड में, और उसके बाद से इसमें बैटर को भर देते हैं। बस सिंपल से, आप लोग के पते ही कितना मतलब थोड़ा से ये प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है, बाकी बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे सारा मैंने भर दिया है, छोटा वाला स्टैंड है मेरे पास, एकदम छोटू वाला है, अब मैं सोच रही हूँ बड़ा सा लेने के। तो इसमें सारे भर के और स्टैंड में लगा दे रहे हैं। लगाने के बाद से इसका एक नट है ऊपर से जो कि मैं कस दी, और उसके बाद से पानी उबलते हुए पानी में इसे स्टैंड डाल के रख दिया है। ये उबलते हुए पानी में ही डालना है क्योंकि ये भाप से ही बनता है। और यहाँ पे ये भी हो चुका है, तो अब इसमें पानी जितना डालना है मुझे ग्रेवी के हिसाब से अपना पानी डाल देंगे, और पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि ये सारे गल के एकदम मतलब पेस्ट जैसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा रहेगा। इसमें गुड़ भी डाला है जो कि मैं नहीं दिखा पाई, गुड़ और खट्टा मीठा दोनों रहता है। यहाँ पे 10 मिनट ही नहीं लगता इडली बन के रेडी हो जाता है। इसे तो मैं 5-6 बैच में बनाई, क्योंकि बहुत छोटू वाला है ना तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, अगर बड़ा स्टैंड रहता तो जल्दी से ही हो जाता। तो 6 से 7 मतलब बैच में मैं बनाई हूँ, एक बार में 12 इडली बनता है। यहाँ पे फटाफट मैं सारा इडली को बना लेती हूँ क्योंकि टाइम भी हो रखा था गांव जाने के लिए, और यहाँ पे 2 सीटी में ही गल गया था सारा। तो इसको अच्छे से रही हो या कुछ भी से अच्छे से माह देना है कि वो अच्छे से टूट जाए। उसके बाद से इसमें डाला है सरसों और लाल मिर्च, जो कि मेन इसमें कड़ी पत्ता पड़ता है लेकिन वो नहीं था, बारिश की वजह से कोई लाने ही नहीं गया, तो वही। और तो यहाँ पे बस इसको तड़का लगा देना है। और सांभर तो इतना टेस्टी बना था कि मैं आप लोग से क्या बताऊँ, इडली भी बहुत टेस्टी बना था, एकदम रोई के फाहा के जैसे इडली बना था, मुंह में डालते जैसे घुल जाए उस टाइप की इडली बना था।
यहाँ पे बस एक बॉयल आएगा सांभर में, सांभर बन के डन हो जाएगा। इडली में फटाफट मतलब निकालती जा रही थी और चढ़ाती जा रही थी, इतना सारा मैंने बना लिया। उसके बाद से किचन को समेट लेते हैं और सारे बर्तन हो गए मतलब हो गया है ज़्यादा, तो सारे बर्तन को भी मैं धुल लूँगी क्योंकि छोड़ के जाना नहीं, जाना है तो सब कुछ समेटना भी है साथ के साथ। तो मतलब किचन में रह रही हूँ और बाहर भी देख रही हूँ क्या क्या मतलब कैसे क्या करना है। यहाँ पे सारा इडली बन गया है और सांभर भी आकृति को दे देती हूँ खाने के लिए, और सारा बर्तन मैंने धूल के साइड में रख दिया है। यहाँ पे इडली भी बन गया है, सांभर भी बन गया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ। अब मुझे जाने के लिए मैं रेडी हूँ। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए। कौन से आपको वीडियो देखना है मुझे कमेंट भी करिएगा, कौन सी रेसिपी देखना है वो भी बताइएगा। यहाँ पर रेडी होने के बाद से मैं फटाफट पैक कर रही हूँ क्योंकि इतना सारा बन गया था कि ये मतलब हम लोग तो 2-3 दिन में खाएंगे तभी नहीं ख़त्म होगा। तो लेके जाएंगे गाँव, सबको खिलाएंगे अपने हाथ के खाना। और यहाँ पे फटाफट मैं पैक कर लेती हूँ क्योंकि बारिश थोड़ा थोड़ा धीमा है, बस हम लोग उसी में निकल जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट लगता है गांव जाने में। यहाँ पे देखिए पूरा खेत में मतलब बुआई शुरू हो गया है हम लोग की तरफ और पानी भी बहुत लगा था। तो ये था आज का वीडियो, आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो का इंतज़ार भी करिएगा और अपना ख्याल, अपना फैमिली के बच्चे का ख्याल भी रखिएगा। बाय।